दोस्तों आज हम इस फोटो फ्रेम एलईडी लाइट को रिपेयर करेंगे और इसको आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एक फ़ोटो ही है जो घर में लगी होती हैं। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है लाइट जलती थी पहले, ग्राहक ने बताया है, और अब इसमें लाइट जलना बंद हो गया है। इसकी आप पूरी साइज देख सकते हैं और इसके बैक में भी ये इसकी बैक साइड है और यहाँ पर इसकी लीड दी गई है। तो चलिए हम लीड को जो है यहाँ पे हम बोर्ड में लगा देते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कोई भी प्रकार का रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कोई भी एलईडी लाइट यहाँ पे शो या ग्लो नहीं हो पा रही है। तो अभी हम इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इसके पीछे यहाँ पे एक चार्जर एडाप्टर लगा हुआ है जो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो हमें इसे निकालना है, तो मोबाइल को मैं फिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कैमरा मैंने फिक्स कर लिया है और ये टेप यहाँ पे लगा हुआ है। इस टेप को हम उखाड़ देंगे और इस एडाप्टर को बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, कहीं इसके वायर वगैरह ना फट जाएं। ये एलईडी 12 वोल्ट की सप्लाई इसमें यहाँ पे दी गई है और इसी सप्लाई का ही इसमें सारा खेल होता है। ये इसके एसी वाले पॉइंट हो गए और यहाँ पे इसके डीसी वाले पॉइंट हो गए जो इसके अंदर गए हुए हैं। तो एक बार हम इसे इस सप्लाई को खोल लेते हैं, खोलने के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो इसे खोलना बहुत आसान है, यहाँ पे इसमें लॉक लगे होते हैं वो आप ओपन करेंगे और मोबाइल चार्ज होते हैं 5 वोल्ट वाले चार्जर होते हैं, उसी में एक जिन्ना डायबोर्ड यहाँ पे लगा दिया जाता है। इस जिन्ना डायबोर्ड को चेंज करके और इसे पैक कर दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो इसका कैपेसिटर फूला हुआ लग रहा है और इसके जो IN4007 जो डायबोर्ड हैं वो भी ख़राब लग रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो इसका लगा हुआ है 13003, ये भी ख़राब लग रहा है। तो एक बार हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे सप्लाई खोलने के बाद सबसे पहले आपको इसके जो मैनुअली कंपोनेंट चेक करने हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह भी पड़ चुके हैं और ये ट्रांजिस्टर और ये डायोड। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 12 वोल्ट की सप्लाई, आप 12 वोल्ट के एडेप्टर से यहाँ पे जो आपको दो वायर दिख रहा है आउटपुट में जो लाइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे हमें प्लस माइनस यहाँ पे देना है। तो माइनस वाले में हम माइनस और प्लस वाले में प्लस देके देख लेंगे एक बार कि हमारी लाइट ऑन हो गई या नहीं। चलिए हम इसे सीधा कर लेते हैं। इतने में अब आपको लाइट दिख जाएगी। एक बार मैं लाइट भी ऑफ इसकी कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मैं इसे लगा के देख रहा हूँ और आप इसको देख लीजिएगा कि हमारी एलईडी जो अभी चालू है अब बंद है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो फ्रेम की सारी लाइट जल चुकी हैं। इसका मतलब जो हमारी एलईडी इसमें लगी हुई हैं फ्रेम में वो अभी पूरी प्रॉपर तरीके से सही हैं और हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई ही इसमें वीक पड़ चुकी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, वैसे तो मैं सप्लाई रिपेयर कर सकता हूं पर ग्राहक की जो रिक्वायरमेंट है वो इसके पूरी सप्लाई चेंज करने की ही है, तो मैं इसमें दूसरी सप्लाई लगा देता हूं। वैसे यदि आप इसकी वीडियो देखना चाहें रिपेयरिंग की, तो इसकी रिपेयरिंग की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर जो इसके वायर लगे हुए हैं इन चारों वायर को डिस्कनेक्ट कर देना है। ये हमारे एसी वाले हैं और यहाँ पे डीसी वाले, ये इसे डिस्कनेक्ट करके और इस तरीके की सप्लाई आपको मार्केट में 50-60 रुपए की मिल जाएगी और आप इस सप्लाई को इसमें लगा दीजिए आसानी से। यहाँ पे भी आपको इसी प्रकार की बिल्कुल 2x2 इसकी आप सप्लाई चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल इसमें सेम सप्लाई दी गई है, बिल्कुल ये और ये बिल्कुल सेम है। तो हम पुरानी वाली को अलग करके यहाँ पे लगा देंगे।
तो इसके हम सारे वायर अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हम माइनस प्लस लगा देंगे, जहाँ पे प्लस का पॉइंट था और जहाँ पे माइनस का पॉइंट था। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, यदि आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से, तो एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से ही हम जिंदा रहते हैं। जो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ देखने के लिए मिल रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि घर में अभी मेहमान हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे इसको हम बाद में फिक्स करेंगे, एक बार हम इसे चला के देख लेंगे कि अभी ये चालू हो रही है या नहीं। तो इसे सीधा करके अब हम इसकी प्लग लगाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। ये इस तरीके से ये जलती है और अभी ये रिपेयर भी हो चुकी है। अब हम इसको जहाँ की तहाँ इसका ये कैप वगैरह लगा के इसको फिक्स कर देंगे और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। और जिस तरीके से आपने इसको निकाला था उसी तरीके से आप इसको लगा देंगे और टेप वेप भी इसमें लगा लेंगे। तो अभी लाइट प्रॉपर रिपेयर हो चुकी है, अब हम अंधेरा करते हैं और इसकी प्लग को लगा के आपको चेक एक बार करा देते हैं। तो इसकी प्लग है, यहाँ पे बोर्ड है, इसको हमने लगाया और ये लाइट ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों आप देखें बहुत ही बढ़िया ग्लो कर रही है, और इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो फ्रेम वाली लाइट को रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।